We have 140 patients in the passengers. Passengers in the flight. All are safely landed. We have got all these things ready, like ambulances, and then the beds in our hospital, private hospitals nearby. We kept them in the alert, but it has been safely landed. And we are relieved. Any passengers are wounded, sir? No, sir. All are walking down. How many doctors are monitoring that? அங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? 25 டாக்டர்ஸ். ஆமாம், 25 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஆமாம், பேராமெடிக்ஸ் இருக்காங்க சார். 24 ஆம்புலன்ஸஸ் ஆர் ரெடி. அது வித் ஜோ லோக் இண்டஸ்ட்ரி மே காம் கர்த்தே ஹே வோ ஜான்தே ஹே கி பைலட்ஸ் கோ சிமுலேட்டர் பர் ஹர் இவென்ச்சுவாலிட்டி கோ டீல் கர்னே கி ட்ரெய்னிங் தி ஜாதி. குச் பிளேன்ஸ் ஹோதே ஜோ படே வாலே பிளேன்ஸ் ஹோதே ஹே உன்கே அந்தர் டம்பிங் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிள் ஹோதி ஹே ஃபியூல் கி. மேரா யே பி ஹமேஷா சே அட்வைஸ் ரஹி ஹே மீடியா கோ कि डोंट हाइप इट बिकॉज़ हैव कॉन्फिडेंस इन द एयरलाइंस कि उन्होंने पायलट को ट्रेन किया हुआ है फॉर एवरी इवेंचुअलिटी. इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोथ बाय डीजीसीए एंड बाय एयर इंडिया एक्सप्रेस सेफ्टी डिपार्टमेंट कि ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये ह्यूमन एरर है तो कौन जिम्मेदार है. देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट थी त्रिची से टेक ऑफ की, लैंडिंग गियर में हाइड्रोलिक प्रॉब्लम आई, उसके कारण उनको मतलब पायलट के सामने प्रॉब्लम आ जाती है. लेकिन खुशी की बात यह है कि प्लेन सेफ्टी लैंड किया. नंबर वन, ये सेफ्टी एलिमेंट होता है लोगों को पैसेंजर्स के बारे में. लेकिन जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो जानते हैं कि पायलट्स को सिम्युलेटर पर हर इवेंचुअलिटी को डील करने की ट्रेनिंग दी जाती है. तो जब टेलीविजन चैनल फ्लैश कर रहे थे कि प्रॉब्लम स्नैग आ गया है, हाइड्रोलिक स्नैग, कि प्लेन होवर कर रहा है, तो होता क्या है कि कुछ प्लेन्स होते हैं जो बड़े वाले प्लेन्स होते हैं उनके अंदर डंपिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है फ्यूल की. और ये एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर में कि जब प्लेन लैंड करता है तो उसका वेट लाइट होना चाहिए. और अब क्योंकि प्लेन टेक ऑफ ही किया था तो उसको 2 घंटे के करीब होवर करना पड़ा ओवर द एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में, जैसे कि फ्यूल बर्न हो जाए और प्लेन लाइटर हो जाए लैंड होने के लिए. तो ये जो सिलसिला है ये एकदम स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है. और जैसे आपने देखा कि हाउ द एयरपोर्ट रिएक्टेड टू इट, कि ये भी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है कि जब पायलट इन कमांड एक इंडिकेशन देता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ग्राउंड सर्विसेज की जो होती है, चाहे वो एम्बुलेंसेज हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, ये सब अलर्ट पे हो जाते हैं. So the drill that is prescribed was fully followed and it's a very welcome feature. A sigh of relief can be, you know, matlab hum log dekh sakte hain ki ekdam plane safely land kar gaya and all plane passengers were safe. To ye ek mera manna hai ki jab industry ke jo log hain aur wo ye jante hain ki pilot ko kis prakar ki training di gayi hai to hum logon ko chinta nahi hoti hai. Lekin swabhavik hai कि जो लोग इससे परिचित नहीं है उनको अवश्य फिक्र होती है कि प्लेन में अनसेफ हो जाएगा, लैंडिंग हो जाएगा. तो मेरा ये भी हमेशा से एडवाइस रही है मीडिया को कि डोंट हाइप इट बिकॉज हैव कॉन्फिडेंस इन द एयरलाइंस कि उन्होंने पायलट को ट्रेन किया हुआ है फॉर एवरी इवेंचुअलिटी. सर, ये एयर इंडिया का प्लेन था तो ये शारजा जा रहा था प्लेन, तो अब इन पैसेंजर्स को क्या करना पड़ेगा, क्या फैसिलिटी मिलेगी एयर इंडिया की तरफ से? देखिए, एक चीज और होती है कि एवरी इंसिडेंट के बाद एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि एयरलाइन करती है और डीजीसीए भी करती है. तो देखना ये होगा ये हुआ तो क्यों हुआ, स्नैग आया तो क्यों आया. सेकेंड चीज क्या होती है कि क्या ये सेम प्लेन को मेंटेनेंस वाले ठीक कर सकते हैं फॉर टेक ऑफ या दूसरा प्लेन रिप्लेस करना पड़ेगा. एक दूसरी बात है कि एयर इंडिया डिसाइड करेगी, एयर इंडिया एक्सप्रेस डिसाइड करेगी कि उनके पास में दूसरा प्लेन वहां पर अवेलेबल है, कितनी देरी होगी, पायलट का ड्यूटी टाइम लिमिटेशन तो नहीं आ रहा है बीच में, तो उन कैसे पैसेंजर्स को भेजा जाए. एंड आई एम श्योर एयर इंडिया एक्सप्रेस विल टेक केयर ऑफ द पैसेंजर्स ऑन ग्राउंड कि उनकी इनकन्वीनियंस को कम से कम किया जा सके. सर, क्या मेंटेनेंस की वजह से हो सकता है क्या, मतलब उसका लैंडिंग गियर अटकना के मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो सकती है ये?
देखिए ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगेगा कि वेदर इट वॉज अ ह्यूमन फ्लॉ और क्योंकि एक मशीन है, मुमकिन है जैसे कि हमारी मशीन जो हम घर में भी यूज करते हैं कि कभी ना कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, बट इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोथ बाय डीजीसीए एंड बाय एयर इंडिया एक्सप्रेस सेफ्टी डिपार्टमेंट कि ये हुआ तो क्यों हुआ और इसका जो कोई अगर ये ह्यूमन एरर है तो कौन जिम्मेदार है, ये सब लेड आउट होता है डीजीसीए मैनुअल में, एयरलाइन के मैनुअल में, हाउ टू होल्ड समबडी अकाउंटेबल फॉर इट, क्योंकि सेफ्टी एक ऐसी चीज है जिससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाता।